जब हम लोग तो पूरा आग लगा हुआ, फिर दूसरा आवाज हुआ, फिर अभी 5 मिनट पहले तीसरा आवाज हो गया, अभी तक बिजली काटा नहीं गया, कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में तो कोई उग्रवादी बम भी फेंक के चला जाएगा, हमारे समस्तीपुर शहर को कोई देखने वाला नहीं है। ये धमाका हुआ, ये धमाका ओवर ब्रिज के पुल पर रेलवे के काम कर रहे हैं लोग, उन्हीं के वजह से हुआ। सुने थे, मतलब आवाज हुआ था 2-3 बार कस के, जैसे लगा टायर फटा था, तो आवाज़ सुने इसीलिए आदमी दौड़ के आए यहाँ पर। देखे उसको क्या देखा, कार जैसे ये कहाँ पे था, ये धुआं धुआं हो गया था। जानकारी मिली थी सर, नहीं इसके लिए क्या जानकारी, क्या मिली थी सर आपको, जानकारी क्या मिली थी? जानकारी ये मिली थी कि तार वार में आग लगा है, हम लोग यहाँ हैं, तार को बिछा दिया गया और आगे चला गया। समस्तीपुर शहर की फ्लाई ओवर ब्रिज पर मंगलवार को गुजर रही बिजली व टेलीफोन केबल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक 3 धमाका हुआ। जिस समय तार में आग लगी थी, ठीक उसी समय दिल्ली से दरभंगा लौट रहे बिहार संपर्क क्रांति गुजर रही थी। अचानक हुए तेज धमाका के कारण ट्रेन के चालक ने ट्रेन रोक दी। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया, जिसके बाद ट्रेन में सवार लोग ट्रेन रुकते ही कूद कर भागने लगे। हालांकि इस दौरान ओवर ब्रिज से भी कुछ पुरानी दीवारें टूटकर नीचे गिरी, जिससे ट्रेन में सवार यात्री और भी दहशत में आ गए। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना की सूचना के तुरंत बाद आरपीएफ और रेलवे के अभियंता मौके पर पहुंचे। तत्काल रेलवे के ओवरहेड तार की बिजली काटी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। माना जा रहा है कि पुल के नीचे लटकने वाली बिजली और टेलीफोन की तारें आपस में सटने के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके बाद आग लगी थी, क्योंकि इस पुल के नीचे से बिजली व टेलीफोन की केबल गुजरी है। आग लगने के बाद तेज धमाका हुआ, जिससे आसपास के अलावा ट्रेन में सवार यात्री दहशत में आ गए। इस घटना के कारण करीब आधा घंटा के लिए बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के अलावा बरौनी से गोंदिया जा रही बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस भी मौके पर रुकी रही। बाद में रेलवे अभियंता द्वारा फीड दिए जाने के बाद गोंदिया एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर के लिए रवाना किया गया, जबकि बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस समस्तीपुर स्टेशन पर भेजा गया। मौके पर आरपीएफ इंस्पेक्टर बीपी वर्मा के अलावा दरोगा पीके चौधरी, निशा भारती सहित रेलवे के बिजली विभाग के अभियंता आदि मौजूद थे। गौरतलब है, वर्षों पुराने इस पुल का रेलवे अपने साइट का मरम्मत कार्य करा रहा है। पुल की स्थिति काफी जर्जर है। देखा नहीं, सुने थे, मतलब आवाज हुआ था 2-3 बार कस के, जैसे लगा टायर फटा था, तो आवाज सुने इसीलिए आदमी दौड़ के आए यहाँ पर। देखे उसको क्या देखा, कार जैसे ये कहाँ पे था, ये धुआं धुआं हो गया था यहाँ पर। कितना बार ब्लास्ट किया है? 2-3 बार आवाज किया, दो बार साइड में हम लोग थे उधर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजीत कुमार। हम लोग तो समझ नहीं पाए, पहले तो हम लोग समझे कि कोई बम फटाका छोड़ा, दौड़े जब हम लोग तो पूरा आग लगा हुआ, फिर दूसरा आवाज हुआ, फिर अभी 5 मिनट पहले तीसरा आवाज हो गया, अभी तक बिजली काटा नहीं गया, कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में तो कोई उग्रवादी बम भी फेंक के चला जाएगा, हमारे समस्तीपुर शहर को कोई देखने वाला नहीं है। ये धमाका हुआ, ये धमाका ओवर ब्रिज के पुल पर रेलवे के काम कर रहे हैं लोग, उन्हीं के वजह से हुआ। क्या लगता है कि मतलब किसकी लापरवाही की वजह से हुआ? ये लापरवाही रेल की है, रेल का काम चल रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन हुआ।